दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। आज हम आपको बताएंगे क्या 3 मई के आगे भी बढ़ेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, क्या 3 मई के आगे लॉकडाउन बढ़ाने पर की जा रही है तैयारी। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। और दोस्तों नीचे आकर आपको अपनी राय लिख देना है लॉकडाउन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आगे बढ़ेगा लॉकडाउन, 3 मई के बाद के लिए तैयारी शुरू। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान लोगों को कई छूट देने के लिए भी सरकार ने 3 मई के बाद के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, देश के विभिन्न हिस्सों में संक्रमितों की संख्या में हो रही वृद्धि के चलते इसे पूरी तरह हटाने की संभावना कम है। हालांकि इसके स्वरूप में बदलाव करने व कुछ क्षेत्रों में छूट देने की संभावना है। शनिवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य विभागों से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर भी हो रही लगातार समीक्षा में लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने के बारे में विचार हो रहा है ताकि किसी तरह राज्य में यानी राज्य सरकार ने किसी भी लॉकडाउन समाप्त करने के लिए बात कही नहीं कही है। जी हाँ दोस्तों, बल्कि कुछ राज्यों में 3 मई के बाद भी कुछ समय के लिए प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिए हैं। हालात को निरंतरण में रखने के लिए गृह मंत्रालय लगातार सियासतों की घोषणा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे लोगों की दिक्कत कम होने की संभावना है। छोटे स्तर पर ही सही आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत होने में मजदूरों को कुछ राहत मिल सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों को खोलने में लोगों को दिक्कत कम होगी। जी हां दोस्तों, वहीं पर संक्रमणों की संख्या पर नजर। सूत्रों के अनुसार विभिन्न एजेंसियों का मानना है कि जब तक संक्रमणों की संख्या में कमी आना शुरू नहीं होगी उससे पहले लॉकडाउन समाप्त करने से ज्यादा खतरे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में राज्य और केंद्र इसे कुछ और अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। 27 अप्रैल को विभिन्न प्रधानमंत्री के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाले संवाद में कुछ यानी राज्य आर्थिक मदद प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और कुछ स्थानों पर छूट, खासकर कोरोना मुक्त जिलों में गतिविधियों द्वारा यानी शुरू करने के मुद्दे उठा सकते हैं। अधिकांश राज्य अभी पूरी तरह समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। कुछ क्षेत्रों को किया जा सकता है मुफ्त। केंद्र यानी केंद्र के तहत काम कर रहे 11 विशेष समूह में भी परिस्थितियों की लगातार समीक्षा हो रही है। सूत्रों के अनुसार 3 मई के बाद विभिन्न राज्यों में अलग अलग छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है और कोरोना मुफ्त क्षेत्रों में गतिविधियों को समीक्षाओं के भीतर समान करने की कोशिश की जा रही है। कुछ क्षेत्रों को लॉकडाउन में मुफ्त किया जा सकता है लेकिन एक राज्य में से पूरी राज्य में कुल आवाजाही की संभावना नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, कहीं भी आवाजाही की संभावना नहीं होगी। तो दोस्तों 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी शुरू है। जी हाँ दोस्तों, 3 मई को भी पूरी तरह लॉकडाउन नहीं खुलेगा, इसमें भी पाबंदियाँ रहेंगी। तो दोस्तों ये समीक्षा की गई है कि 3 मई के बाद कि लॉकडाउन की तैयारी शुरू है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।